आप लोगों ने दूसरे चैप्टर में इससे पहले जो है देखा था कोष के स्ट्रक्चर और उससे संबंधित और सारी बातें जो है आपको हमने बताया। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके लिए जो ये बहुत उपयोगी है परीक्षा के दृष्टि से, और ये प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा जाएगा भी, प्रश्न ये है कि लघु बीजाणु धानी का निर्माण किस प्रकार होता है। प्रश्न आता है आपके यहाँ, क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी का निर्माण किस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है लघु बीजाणु जनन का विस्तृत वर्णन कीजिए। लघु बीजाणु जनन का विस्तृत विस्तृत उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले हम कुछ की संरचना में आपको बता चुके हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये जिसको हिंदी में हम उमंग कहते हैं, इसकी इकाई को स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टामेन। स्टामेन मीन्स पुंकेसर, 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 पुंकेसर को हमने बताया था कि तीन भागों में डिवाइड होता है, एक फिलामेंट, एक कनेक्टिव और अगला है एंथर। जैसे इस प्रकार से आपने देखा था, ये हिस्सा, ये इसका हिस्सा फिलामेंट, फिलामेंट है, दूसरा हिस्सा कनेक्टिव है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है एंथर, एंथर। एंथर कि प्रत्येक लोब में, एंथर जो आप देख रहे हैं, इस एंथर की प्रत्येक लोब में, प्रत्येक लोब में दो कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? दो कोष्ठक, यानी कि टू चैम्बर, दो कोष्ठक होते हैं। और एंथर में पोलन सैक, एंथर में यानी कि जो कोष्ठक होते हैं इन्हें पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम, सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम, क्लियर? पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है।
इस आयंथर में पॉलन ग्रेन के निर्माण की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें इसी एंथर में पॉलन ग्रेन के निर्माण की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या हिंदी में लघु बीजांग जनन कहते हैं। एंथर क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह होता है। किसका समूह होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अभी आपको फिगर के माध्यम से भी बताएंगे, अभी आप रेखा चित्र के द्वारा देखिए क्या है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह होता है। इसके बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होती है। इसके बाहर एपिडर्मिस पाई जाती है और इस मेरिस्टेमेटिक एपिडर्मिस के नीचे बड़े आकार के हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स पाए जाते हैं। हाइपोडर्मल सेल्स पाए जाते हैं, क्लियर। और इसी एंथर के मध्य भाग में प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड, जो ये मध्य भाग है, इसका मध्य भाग का जो हिस्सा है ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड का निर्माण करता है, जो कि वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू का मतलब संवहन ऊतक का भाग बनाता है। और ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है, हाइपोडर्मल सेल्स बड़े आकार की तथा अस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। दो हाइपोडर्मल सेल्स बड़े आकार की एवं अस्पष्ट रूप से इस प्रकार से दिखाई देने लगती है, हाइपोडर्मल सेल्स। इन्हें आर्ची स्पोरियल सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ची स्पोरियल सेल्स, आर्ची स्पोरियल सेल्स। ये आर्ची स्पोरियल सेल्स पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा, कैसे, किस डिवीजन द्वारा? बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन, डिवाइड होकर के टू सेल्स का निर्माण करती है। कौन कौन से वो टू सेल्स हैं? वो टू सेल्स इस प्रकार से है। पहला है प्राइमरी पेराइटल सेल्स, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, और दूसरा है स्पोरोजीनस सेल्स। जो आर्ची स्पोरियल सेल्स है पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के टू
टू सेल्स का निर्माण करती है, जिसमें पहला जो सेल्स है वो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, दूसरा है स्पोरोजिनस सेल्स। क्लियर? देन यू सी प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा, बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन आर बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन, द्वारा डिवाइड हो करके पोलन सैक की भित्ति का निर्माण करती है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन सैक वन, पोलन सैक वन यानी पोलन सैक की भित्ति का निर्माण करती है। ये पोलन सैक की जो वाल होती है वो दो भाग में डिवाइड होती है, पहला है एंडोथीसियम, पहला भाग एंडोथीसियम, दूसरा भाग मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, ये जो मिडिल लेयर है ये दो से तीन परतों में विभक्त होती है, इसकी जो आंतरिक परत है वो आंतरिक परत टाइपेटम कहलाती है। क्या कहलाती है? टाइपेटम, जो कि पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्लियर? इस तरह से आपने इस प्राइमरी पैराइटल सेल्स के बारे में देखा। फिर दूसरा कौन सा है? इस स्पोरोजिनस सेल्स। इस स्पोरोजिनस सेल्स में क्या होता है इसको देखना। देखिए दूसरा है इस स्पोरोजिनस सेल्स, इस स्पोरोजिनस सेल्स जो है यह इरेगुलर डिवीजन द्वारा डिवाइड हो करके बहुत छोटे छोटे गोलाकार संरचना का निर्माण करती है, और इसमें से कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो कि टूट भी जाती हैं, और जो टूट जाती है उनका प्रोटोप्लाज्म विकसित हो रहे, यानी कि जो विकासशील सेल्स हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, अथवा उनके निर्माण में विलय हो जाती है। इस प्रकार से जो सेल्स बड़े होकर के आकार में बनते हैं उन्हीं को माइक्रो स्पोर मदर सेल कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन आर बाय मियोसिस, आर बाय मियोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के फोर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है, माइक्रोस्पोर का
निर्माण करती है। क्लियर, कितने फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। ये डाइकॉट प्लांट में यानी कि द्विबीजपत्री में टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, और अधिकतर मोनोकॉट प्लांट जो है अर्थात एक ही पत्री पौधे जो है उसमें बाई आइसोलेटरल और कभी कभार ये डेकुसेट, डेकुसेट का मतलब क्रासित अथवा लाइनियर होते हैं, या ये जो है कैपिटल टी आकार के होते हैं। तो इस तरह से ये पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप बनता है। अभी आपको फिगर के द्वारा हम और भी क्लियर कर देते हैं। तो देखें ये जो है आपके सामने फिगर में उपस्थित है, इसमें अभी हमने बताया कि एंथर है। एंथर क्या है? ये मेरिस्टमेटिक सेल्स का समूह है। इसकी जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहलाती है, और इस मेरिस्टमेटिक सेल्स के अंदर जो है कुछ जो है एपिडर्मिस के नीचे बड़े आकार के सेल्स होते हैं जो कि हाइपोडर्मल सेल्स कहलाते हैं, और यही हाइपोडर्मल सेल्स, इसी को कहा ना हाइपोडर्मल सेल्स, आकार में बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर के ये आर्ची स्पोरियल सेल्स, आर्ची स्पोरियल सेल्स का निर्माण करते हैं। यह आर्ची स्पोरियल सेल्स पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के टू सेल्स का निर्माण करती है। फर्स्ट प्राइमरी पैराइटल सेल्स जिसको हमने संक्षिप्त रूप पीपीसी लिखा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स ये पेरिक्लाइनल डिवीजन आर एन टी क्लाइनल डिवीजन द्वारा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक एंडोथेसियल सेल्स दूसरा पैराइटल सेल्स है। और इस तरह से जो है ये जो पैराइटल सेल्स है और स्पोरोजिनस सेल्स है इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ये डिवाइड हो रहा और इसकी आर जो बाहरी लेयर है वो जो डिवाइड होकर दो भागों में बढ़ते ही बाहरी लेयर जो है इसका एंडोथेलियम और दूसरा लेयर जो है मिडिल लेयर कहलाती है। मिडिल लेयर में दो या तीन सेल परत होती है, दो या तीन परतों में डिवाइड होता है। आंतरिक परत जो वो टाइमेटम कहलाता है जो कि पोषण प्रदान करने का काम करती है। ये है जो है आकार में कुछ गोल होकर के इस प्रकार की संरचना बनाती है जिसमें से जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स कुछ कमजोर जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दूसरे सेल्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है, और डेवलपमेंट करता हुआ ये सेल्स क्या करता है टाइपेटम से भी पोषण प्राप्त करता है, और यही सेल्स जो है आगे डेवलप होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप फोर माइक्रोस्पोर आर पॉलन ग्रेन बनते हैं। डाइकॉट प्लांट में यह टेट्राहेड्रल और मोनोकॉट प्लांट में यह बाई आइसोलेटरल, डेक्यूसेट, लाइनियर आर टी शेप्ड में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये माइक्रोस्पोरेंजियम
और माइक्रोजेनेसिस और माइक्रोस्पोर के बनने की क्रिया। इसको आप लोग जो फिगर बनाएंगे और अच्छी प्रकार से इसको तैयार करेंगे। धन्यवाद।